दोस्तों, आजकल सरकार ने कई मेजर्स लिए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। आत्मनिर्भर पैकेजेस, पीएलआई स्कीम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसे इनिशिएटिव्स ने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया है। इसी सपोर्ट के चलते एक कंपनी है जिसका नाम है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका बीएससी स्क्रिप्ट कोड है 540614। ये कंपनी दोस्तों हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी ने हाल ही में कदम उठाया जो इनके बिजनेस को और भी मजबूती और तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। जीजी इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है कि वो 75 करोड़ फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट्स इशू करेंगे। कन्वर्टेबल वारंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनका मतलब होता है कि इन्हें बदलकर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हर एक वारंट को एक इक्विटी शेयर के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ये वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर इशू किए जाएंगे एक प्राइस पर जो है ₹1.32 की। आप इस पीडीएफ में देख भी पा रहे हो, हर वारंट एक फुली पेड अप इक्विटी शेयर के लिए कन्वर्टेबल होगा जिसकी फेस वैल्यू मात्र ₹1 की होगी। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जिनको भी ये वारंट्स मिलेंगे उनके जो वारंट्स है ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो भी राइट इश्यूज होते हैं, बोनस इश्यूज होते हैं, यहाँ तक अगर डिविडेंड मिलता है, तो जो भी ये अलॉटीज हैं दोस्तों उन्हें डेफिनेटली इसका भी लाभ प्राप्त होता है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है दोस्तों, यानी कि जो बैलेंस पेमेंट की प्रक्रिया है, 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब आपके स्क्रीन के सामने आ रही है पूरी अलॉटी की लिस्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा नाम नॉन प्रमोटर यानी पब्लिक कैटेगरी के है, केवल एक नाम ही प्रमोटर का है। यहाँ तक अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में जीजी इंजीनियरिंग ने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 75 लाख का रिपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से 53% तक बढ़ गया है। यहाँ तक इनके रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी आपको बढ़त देखने के लिए मिल रही है। यहाँ तक अगर आप इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखोगे, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे, तो जबरदस्त पॉजिटिव नंबर्स आपको दिखेंगे, लेकिन स्टॉक प्राइस सीएजीआर का तालमेल वहां पर बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इस बड़े इनिशिएटिव के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी निवेश का फैसला अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लें। मैं केवल इमर्जिंग कंपनीज के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उसे कवर करने का एक प्रयास करता हूं। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके सिग्नल दीजिए। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सीखना अगर आपको पसंद है तो तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।